कोविड से उभरने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 25 दिसंबर को शिमला लौटने वाले हैं और 28 दिसंबर को एनपीएस कर्मचारियों से मुलाकात कर ओपीएस बहाल को लेकर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर भाजपा को संयम रखने की सलाह दी है और कहा है कि कांग्रेस ने ओपीएस सहित जो 10 गारंटी दी है उन्हें लागू किया जाएगा, भाजपा जल्दबाजी में है, थोड़ा संयम रखे। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बने प्रदेश में भी कुछ ही दिन हुए हैं, ऐसे में जनता को उन्हें वादे पूरे करने के लिए कुछ दिन दे देना चाहिए। कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले जो गारंटी दी है उन्हें हर हाल में पूरा किया जाएगा, जनता को किसी तरह की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नरेश चौहान ने सरकार की ओर से डिनोटिफाई किए जा रहे कार्यालयों को लेकर कहा कि पूर्व सरकार ने बिना बजट के चुनावी फायदा लेने के लिए कई घोषणाएं की। कांग्रेस ने विपक्ष में रहते हुए भी तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को चेताया था, लेकिन उन्होंने चुनावी फायदा लेने के लिए वित्त विभाग की मनाही के बावजूद 3 महीने में 900 संस्थान को खोला। इस तरह की घोषणाओं का सरकार रिव्यू करेगी, जहां जनता की मांग व आवश्यकता होगी वहां ये कार्यालय फिर से खोले जाएंगे। इसी के साथ नरेश चौहान ने कहा कि जनवरी के पहले सप्ताह में शीतकालीन सत्र आयोजित किया जाएगा और उसके बाद शीघ्र ही मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का साफ संदेश कि जो कांग्रेस पार्टी ने 10 गारंटीज की बात की है उसमें ओपीएस को लेके बात हो या दूसरे मुद्दे हो, कांग्रेस पार्टी फॉर्म में हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे पूरी तरह से जो हमने प्रोमिसेस किए। इसके बारे में असमंजस की स्थिति फैलाने का काम भाजपा के लोग, मुझे लगता है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो विपक्ष में चले। अभी सरकार बनी है, जो परिस्थितियां बनी हैं, मुख्यमंत्री जी कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, वो पॉजिटिव थे, 24 तारीख को उनका जो है वो खत्म होगा, उसके बाद अगली परिस्थितियां जो डिले हो गई थी, 3 दिन का सेशन था और कैबिनेट का जो स्वरूप बनना था वो सारी बातें थोड़ी आगे जरूर गई, लेकिन किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। जहां तक आपका सवाल था कि जो डीनोटिफाई किए गए पिछली सरकार ने, 4.5 साल तक पिछली सरकार के जो मुख्यमंत्री थे और सरकार कुछ करे नहीं, इसका जो रिजल्ट था आपने बाई इलेक्शन में देखा कि पूरी तरह से चारों सीटें वो सरकार हार चुकी थी और एक लोगों का जो मूड था एक फेलियर चीफ मिनिस्टर उसको चला रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि लास्ट के 3-4 महीनों में 900 कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स खोल दिए बिना नोटिस, बिना किसी फाइनेंशियल प्रोविजन के, कोई फाइनेंशियल प्रोविजन नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई स्टाफ नहीं, केवल वो जो मंशा थी पिछली सरकार की और मुख्यमंत्री जी वो साफ थी कि वोट बैंक की जो राजनीति की गई थी, हमारी सरकार ने उसको रिव्यू करने के बाद उसमें से काफी सारी चीजें जो है डीनोटिफाई की, उसके पीछे सोच बड़ी साफ थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात को समझा और पूरे उनके साथ जो लोग बैठे थे कि पिछली सरकार ने केवल वोट राजनीति की है और एक गलत फैसला किया, हम गलत फैसले को कंटिन्यू आगे नहीं कर सकते, ये प्रदेश के लोगों का सवाल है, 75 लाख लोगों पे बोझ डालने का सवाल है, गलत फैसले को कंटिन्यू नहीं किया गया। लेकिन एक संदेश बड़ा साफ है मुख्यमंत्री जी का कि जहां पर मेरिट के आधार पे इन इंस्टीट्यूशंस को दोबारा से नोटिफाई करने की आवश्यकता होगी उसको मैं खुद देखूंगा और वो करेंगे, और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स भी हैं जो अभी जिसको डीनोटिफाई नहीं किया गया, जैसे आप देखें नूरपुर में SP बैठते हैं तो वो उसको डीनोटिफाई नहीं किया गया, वो भी अप्रैल के बाद का फैसला। तो जहां सरकार को लगा कि ये जरूरी है विकास की दृष्टि से या जनता के मांग की दृष्टि से उसको कंटिन्यू किया गया है, लेकिन जहां पर ये अननेसेसरली केवल लोगों को प्लीज करने के लिए और अपने वोट बैंक के नजरिए से इसको खोला गया था और एक बहुत बड़ा बोझ हिमाचल प्रदेश की जनता पे डालने का प्रयास पिछली सरकार ने किया था बिना फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, बिना नियमों के, उस पे ये कार्रवाई हुई। कैबिनेट का जो गठन होना है वो स्वाभाविक तौर पे मुख्यमंत्री जी के कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से थोड़ा एक्सटेंड हुआ है। 22, 23, 24 का सेशन था धर्मशाला में और उसके बाद कैबिनेट का गठन होना है, तो ये बातें आप 24 तारीख को शाम को जो उनका क्वारंटीन है वो पीरियड है वो खत्म होगा, उसके बाद वो शिमला आएंगे। ये जरूर है कि हमारी अपील रहेगी कि उसके बाद भी हिमाचल प्रदेश के लोग जो उनसे मिलना चाहते हैं वो फर्दर एक प्रोटोकॉल है कि 5 दिन तक तकरीबन और वो लोगों से नहीं मिल पाएंगे, उसका जो आप देख रहे हैं जो कोरोना की परिस्थितियां हैं। लेकिन जैसे ही 3 दिन का सेशन होगा और उसके इमीडिएटली बाद जो है कैबिनेट का गठन कर दिया जाएगा। न्यूज डेस्क NY Live।